हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक हों, अपने घर में बिल्कुल हंसी खुशी हंस और खेल रहे हों। तो बहुत देर हो गई थी, मैंने कोई वीडियो नहीं शूट करी थी। इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट अ मंथ के मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट करी है, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो उसका भी बहुत बड़ा रीज़न था, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। जो लोग मेरी लाइफ से पर्सनली जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, उनको पता है कि मैंने क्यों ये वीडियो शूट नहीं करी थी, मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं लेके आई थी। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, दैट वाज द नियर द टीचर्स डे। मैंने टीचर्स डे की वीडियोस की छोटी छोटी क्लिप्स डाली थी आपके लिए कि हमने टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट करा। सो ड्यूरिंग दैट मोमेंट मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। तो उस टाइम पे तो चलो मैंने आपके साथ नहीं शेयर करा था। तो नाउ आई एम इन दैट मच ऑफ सेंसेस कि मैं आपको बता पाऊँ और लाइफ में आगे बढ़ी हूँ थोड़ा सा अपने आप को बड़ा स्ट्रांग करके। लास्ट मंथ आई लॉस्ट माय ब्रदर इन वेरी यंग एज, तो इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज। तो उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि भी मैं मतलब कैसे आपके सामने ऑडियंस को, आप सभी को फेस करूँगी या आपको भी कैसे बताऊँ। तो इसलिए नहीं, कुछ भी शूट करने का अंदर से मन नहीं था। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, यू नो हाउ इट एवरीथिंग लाइक गो स्मूथली। तो फैमिली में भी बच्चों का भी देखना पड़ता है, तो उनके सामने भी कभी नहीं पढ़ सकते हैं। बिकॉज समवन हैज सेड कि जो बड़े होते हैं वो छोटों के लिए एग्जांपल्स सेट करते हैं। तो आई एम जस्ट डूइंग दैट वे कि हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी स्ट्रांग सो दैट मेरे बच्चे मुझे देख के कमज़ोर ना हो पाए। तो फिर बीच में ख्याल तो आता था, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे कमेंट कर रहे थे, मेरी वीडियोस को देख रहे थे और मुझे कमेंट करके मतलब मोटिवेट कर रहे थे। थैंक यू एवरीवन हु हैज़ मोटिवेटेड मी एंड बीन विद मी फ्रॉम द सो लॉन्ग टाइम। तो आज हिम्मत करके आई हूँ, अभी भी वैसे मन तो नहीं था, पर फिर भी पूछ रहे थे मुझे जो पर्सनली जानते हैं कि आपने कोई वीडियो नहीं कितनी देर से डाली है, आप क्यों नहीं डालते हो। इवन द वन दोज हु हैव गिवन लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स ऑन द टीचर्स डे, माय स्टूडेंट्स दोज हु लव मी एंड कीप ऑन आस्किंग मी, मैम आपके कोई वीडियो नहीं डाली है। मेरे व्यूअर्स, उनके भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि हाँ वीडियो लेके आओ। उनको कैसे बताऊँ कि मेरा मतलब उस टाइम पर मन नहीं था कोई भी वीडियो बनाने का, अभी भी उतना नहीं है। बट हाँ, अब उनका भी मेरी लाइफ में इतना एक कनेक्शन जुड़ चुका है, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो करना ही था। फिर तो आज मैं लेके आई हूँ छोटी सी वीडियो, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे, अपना प्यार दिखाया था अपने फेवरेट टीचर को लेके। तो उनके गिफ्ट्स पड़े हुए थे इतने सारे, आई एम जस्ट शोइंग यू। देखो, उन्होंने मुझे कार्ड्स दिए थे, बच्चों ने खुद से अपने हाथों से बना के इतने सारे कार्ड्स दिए थे मुझे। ये देखो, बहुत सारे इवन रोजेज, आई कट द रोजेज एज वेल फ्रॉम देम। बहुत सारे कार्ड्स मैं बता रही हूँ, गिफ्ट्स भी थे, आई विल बी शोइंग यू वन बाय वन। तो सबसे पहले तो कार्ड्स देखते हैं, ठीक है। तो ये है कार्ड, I don't know who has given this to me. बड़ा सुंदर सा लिखा है, देखो सब कुछ हैंडमेड है बच्चों का, बच्चों की क्रिएटिविटी है इसमें सारी, यू कैन सी। हैप्पी टीचर्स डे यहाँ पर लिखा है एंड ओके, ओ माई गॉड। अगर मैं हैंड राइटिंग को पहचानूँ तो ये मुझे मन्नत की हैंड राइटिंग लगती है। तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं बच्चे। अपने टीचर्स को देख कर इंस्पायर भी होते हैं और उनसे इंस्पायर होके ना उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, जिनसे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो पता नहीं क्या लिखा है उसने, आई विल बी जस्ट रीडिंग दिस फॉर यू। टीचर्स आर गिफ्ट्स ऑफ गॉड हु एजुकेट अस एंड गाइड अस टूवर्ड्स सक्सेस। दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। दे टीच स्टूडेंट्स अबाउट the importance of discipline. They are the ones who build a good nation and make the world a better place. Teachers are like the building blocks of the society.
सोसाइटी एंड एजुकेट स्टूडेंट्स एंड मेक दम बेटर ह्यूमन बींग. अ टीचर इज़ लाइक फ्रेंड दैट हेल्प्स अस इन ऑल प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर टीचर एज दे आर द वन हु गाइड स्टूडेंट्स टू द राइट पाथ. थैंक यू सो मच टीचर. तो नीचे उसने ना स्पेशल नोट दिया है, मैंने अभी तक नेम नहीं पढ़ा है बट हैंड राइटिंग से मैं पहचान रही हूँ कि ये मन्नत की हैंड राइटिंग होगी. लिखा है थैंक यू फॉर एवरीथिंग अतिंदर मैम, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच. तो इसमें मुझे लगता है पता नहीं क्या है, कोई गिफ्ट सा पैक करके दिया है. इट लेट्स जस्ट सी क्या है. इतना बच्चे प्यार करते हैं ना, मतलब सैटरडे को मंडे को टीचर्स डे था 5th of September को. तो सैटरडे को ही मुझे बच्चे बोल रहे थे बिकॉज आई वाजंट फीलिंग वेल एट दैट टाइम. तो बच्चे कह रहे थे कि मैम प्लीज़ अब आ जाना, छुट्टी मत करना, चाहे बीमार भी हो ना प्लीज़ हमारे पास आके बैठ जाना, वील फील मोटिवेटेड. तो आई वॉज गोइंग थ्रू टफ फेज इज वेल बिकॉज उस टाइम पे ना मेरा ब्रदर हॉस्पिटलाइज था. मतलब सैटरडे तक एवरीथिंग वॉज ओके बट संडे को उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था. तो मेरा तो मन नहीं था बट ये बच्चों की मेरे साथ इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हुई पड़ी थी कि उनको फिर मतलब मैं मना नहीं कर पाई कि हाँ वो अगर वो मंडे को नहीं जाती तो फिर वो कैसा फील करते बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर मी एट दैट डे. तो इसमें क्या है, इसमें एक पेन है, ओह माय गॉड पेन है, थैंक यू. और साथ में एक चॉकलेट है और साथ में इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें ऐसे ये डाले हुए हैं, ये ऐसे पेपर छोटे छोटे पेपर्स डाले हुए हैं ऐसे करके. थैंक यू. अभी मैंने वैसे नेम अब भी नहीं पढ़ा तो पता नहीं किसने दिया है, ये नेम लिखा ही नहीं है, नेम नहीं लिखा है. आई एम श्योर इट इज़ फ्रॉम मन्नत. हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, ये बस ये ही. तो हैप्पी टीचर्स डे अतिंदर मैम नहीं लिखा है, अंदर लिखा है शायद कुछ, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है, इसके बीच में भी कुछ लिखा हुआ है. आई एम जस्ट ओपनिंग इट. पता नहीं इतनी क्रिएटिविटी बच्चों ने करी है. दे हैव टेकन आउट सो मच ऑफ टाइम फ्रॉम द डेली रूटीन टू राइट समथिंग फॉर मी फॉर द टीचर्स. हैप्पी टीचर्स डे, यू आर माई फेवरेट टीचर फॉर एवर. थैंक यू सो मच. आई एम नॉट लाइक अभी नाम नहीं लिखा है इसमें बट आई कैन स्टिल से इट इज़ मन्नत. मन्नत ही मुझे लग रही है अब. आई डोंट नो अगर मन्नत ये आपने ही मुझे दिया है ये कार्ड आपकी तरफ से ये है बेटा, प्लीज़ डू कॉमेंट मी बिकॉज यू हैवंट रिटन योर नेम ओवर योर कार्ड. तो बट स्टिल आई कैन रिकोगनाइज योर हैंड राइटिंग. तो इट्स मन्नत मेरी तरफ से, तो मन्नत ही है. अगर मन्नत ही आप जब वीडियो ये देखोगे, अगर आप ही का ये गिफ्ट है तो थैंक यू सो मच. जिसने भी दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये किसका कार्ड है. ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके बहुत कार्ड मिले थे मुझे उस दिन. ये देखो ये ऐसे बच्चों ने क्रिएटिविटी करी है. टीचर्स आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, हैप्पी टीचर्स डे, ये है एक, ये भी है हैप्पी टीचर्स डे, यू आर माई वर्ल्ड बेस्ट टीचर एवर, बी हैप्पी. देखो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. किसी ने कहा है ना इफ़ यू आर गुड टू समवन तो दिल बी गुड विद यू एज वेल. तो ऐसा लगता है कि अगर बच्चे मेरे साथ अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी उनके साथ अच्छी रही होंगी. तो ये भी लिखा है हैप्पी टीचर्स डे. देखो बच्चों की क्रिएटिविटी देख लीजिए आप. ये भी लिखा है कुछ स्माइल प्लीज़, हैप्पी टीचर्स डे मैम स्माइल प्लीज़, अतिंदर मैम इज़ वेरी वेरी नाइस मैम, अतिंदर मैम इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू थैंक यू. तो एक ये है, इसमें भी लिखा है हैप्पी टीचर्स डे, यू आर द बेस्ट टीचर. रितिका, ये रितिका की तरफ से नीचे नेम लिखा है द रितिका, थैंक यू रितिका. बहुत कुछ लिखा है रितिका ने, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है. हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच. ये देखो सी द क्रिएटिविटी ऑफ माई किड्स, यू कैन सी कितना इन्वेस्ट किया है उन्होंने मेरे लिए. ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा है. यू इंस्पायर्ड मी टू रीच माई गोल्स एंड अचीव माई ड्रीम्स मोर इम्पॉर्टेंटली, यू इंस्पायर्ड मी टू बी यू, थैंक यू टीचर, हैप्पी टीचर्स डे.
थैंक यू सो मच बच्चे। अच्छा ये किसकी तरफ से? जन्नत की तरफ से है। थैंक यू जन्नत, बड़ा अच्छा कार्ड बना है। मुझे लगता है कि ये मन्नत और जन्नत ने मिलके बनाया है, दोनों का रेड रेड कलर का आइडिया लिया है दोनों ने। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा ये भी देखो, इसमें भी देखो कितनी क्रिएटिविटी करी है मेरे बच्चों ने। इस पर लिखा है यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू बच्चे। इसमें भी लिखा है हिंदी में, शिक्षक है शिक्षा का सागर, शिक्षक बांटे ज्ञान बराबर, कभी प्यार से कभी डांट से हमको सिखाते ज्ञान गुरुजी। तो इसमें भी लिखा है थैंक यू, इसमें नेम लिखा है इट इज़ लीड बाय मन्नत। अभी अभी दो मन्नत हैं जिनको मैं जानती हूँ। अभी ये कौन सी वाली मन्नत है आई डोंट नो, मन्नत प्लीज बता देना ये कौन सी वाली मन्नत ने दिया है, सो दैट आई कैन रिकोगनाइज। ठीक है, अदरवाइज थैंक यू सो मच। तो एक और है हैप्पी टीचर से स्माइल मैम। सबको लगता है ये क्योंकि उस दिन पे मैं टीचर्स डे वाले दिन आई वॉज क्वाइट टेंस्ड, तो शायद बच्चों को मेरी परेशानी थोड़ी सी दिख गई होगी, तो शायद इसीलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए ये दिया है जो ऑन स्पॉट बना के दिया होगा। यहाँ पे लिखा है यू आर सो बेस्ट, यू आर सो ब्यूटीफुल, ये अंजलि की तरफ से है। ओके थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। तो और ये कार्ड है हैप्पी टीचर्स डे पे, थैंक यू। ये किसने दिया है? ये है गुरजोत, ये गुरजोत ने दिया है। थैंक यू गुरजोत, थैंक यू सो मच। ये हैप्पी टीचर्स डे, ये छोटा सा कार्ड है, बड़ा ही प्यारा सा कार्ड है। दिस इज़ फ्रॉम जसमीत कौर, थैंक यू जसमीत, थैंक यू सो मच। तो ये देखो, ये भी एक अच्छा प्यारा सा, लुक एट द कंसेप्ट बच्चों की, बच्चों ने कितनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है। यू कैन सी हाउ क्रिएटिव द डिप्सियंस आर। आई एम एक्चुअली प्रमोटिंग माई स्कूल, क्यों ना करूँ, अगर इतना टैलेंट है मेरे स्कूल में जहाँ पर मैं टीच करती हूँ तो क्यों ना प्रमोट करूँ उसको। ओके सो देखें ये कार्ड किसने दिया है, क्या ये ओपन होता है? नहीं, ये भी ये इतना ही है। ओके क्या लिखा है? हैप्पी टीचर्स डे, द रियल टीचर टीचेस फ्रॉम द हार्ट नॉट फ्रॉम बुक एंड यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू। अभी मुझे पता नहीं है किसने दिया है बेटा, प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट करके किसका कार्ड है, क्योंकि आई एम नॉट नाउ इट्स बिन लॉन्ग, आई एम नॉट रिकोगनाइजिंग किसने मुझे उस टाइम पर क्या क्या दिया था। हैप्पी टीचर्स डे, ये भी था, बड़ा अच्छा है, इतना अच्छा बनाया, देखो लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन, एंड हियर अनदर वन, लुक एट द फ्लावर, देखो अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स दोनों ने लगाए हैं, इतनी क्रिएटिविटी करी, ओह माय गॉड। हाँ ये है, डियर टीचर थैंक यू फॉर मेकिंग अस व्हाट वी आर टुडे, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू। उसमें भी नेम नहीं लिखा है, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना किसका है। और एक ये कार्ड है, ये भी बहुत अच्छा है, देखो कितनी क्रिएटिविटी दिखाई है उन्होंने, इसके अंदर क्या है, ओह माय गॉड, ये देखो छोटी सी की रिंग दी है, और ये है चॉक होल्डर, द एक्चुअल यू कैन सी द वेपन ऑफ अ टीचर, तो हथियार टीचर का वो इसमें आएगा चॉक होल्डर में। ये दिया किसने है? दिस इज़ फ्रॉम नवजोत, ओके थैंक यू नवजोत, थैंक यू सो मच। ये स्माइली भी बिल्कुल आपकी तरह ही है, बिल्कुल क्यूट सी है, जैसे आप क्यूट से हो, थैंक यू सो मच। तो अभी ये एक और कार्ड है, सबके कार्ड अच्छे हैं, तो दिस वन इज सो मच क्रिएटिव। ये किसने दिया? ये पीछे नाम दिया हुआ है, अर्शप्रीत कौर ने दिया है, ऑफ सिक्स बी क्लास, आई टीच टू सिक्स क्लास स्टूडेंट्स एज वेल। तो इसने देखो कितनी क्रिएटिविटी करी, इट लुक्स लाइक अ पर्स, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय योर क्रिएटिविटी बेटा। सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा बना के दिया है मेरे लिए। अब इस पर लिखा है ओपन, तो ओपन करते हैं इसको, तो क्या है, ओ माय गॉड, सीरियसली देखो कितना एफर्ट डाला है बच्चों ने मेरे लिए। तो इस पर लिखा है हैप्पी टीचर्स डे, फिर उसको ऐसे ड्रॉप डाउन करके, ओ माय गॉड कितना अच्छा बनाया है, देखो उसको पता नहीं कितने दिन लगे होंगे। थैंक यू अर्श, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो देखें इसमें क्या क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड पे इधर लिखा है हेलो मैम, देर इज़ अ हार्ट, सो आई विल बी जस्ट ओपनिंग इट। तो ओपन करके अगर माय गॉड लिखा है, अंदर कुछ कोट्स लिखे हैं, रोज इज़ रेड, स्काई इज़ ब्लू,
ओ माई मैम आई लव यू, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू टू, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच. फिर आगे लिखा है, हेलो मैम, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस, इंस्पायरिंग अस एंड मेकिंग अस व्हाट वी आर टुडे. बेटा दिस इज़ माई जॉब, गुड टीचर विल ऑलवेज गाइड यू, विल ऑलवेज बी देयर फॉर गाइडिंग यू, फॉर इंस्पायरिंग यू. थैंक यू सो मच. अगर आप में आप मुझ में कुछ इंस्पिरेशनल कुछ ढूंढ पाते हो, अगर मैं आपकी इंस्पिरेशन बन पाई हूँ या मैं हूँ किसी तरीके से किसी भी छोटी सी भी बात के लिए, तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार करते हो. एंड लिखा है नीचे, यहाँ पे लिखा है माई डियर मैम, हैप्पी टीचर्स डे. इसको मैंने ओपन करा है, इधर से ओपन करा है, और इधर से लिखा है हैप्पी टीचर्स डे माई डियर मैम. अच्छा नीचे से ऐसे ऐसे बन भी रहा है, वाओ वर्ष, इतनी क्रिएटिविटी, ओ माई गॉड, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द आइडिया टू मेक सच अ ब्यूटीफुल कार्ड. ओके अच्छा, ये पेंसिल की तरह बनाने वाला, अंदर मतलब ऐसे बनाया है, ठीक है. तो इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक अ पर्स, जैसे यहाँ पे मैं मतलब कुछ डालूँ, है इसमें कुछ, ओ माई गॉड, चॉकलेट है अंदर. थैंक यू फॉर दिस चॉकलेट. आपको कैसे पता लगा मुझे चॉकलेट्स पसंद है, और तो नहीं कुछ डाला इसमें, मैं ढूंढ लूँ ज़रा, नहीं और नहीं है इसमें कुछ, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसको ऐसे बंद कर दें. अच्छा नीचे भी है कुछ दिया हुआ, ये डोर जैसा बनाया है कुछ, अच्छा इसमें भी है कुछ, वाओ, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ग्लो, थैंक यू फॉर बींग अ वंडरफुल टीचर. बट इट इज़ माई जॉब, आई लव यू सो मच, ठीक है. मैं आई बी ऑलवेज देयर फॉर यू. यू कैन सी प्योर, देखो कितना अच्छा कार्ड बनाया है उसने, थैंक यू सो मच. तो गाइज ये तो थी जितने कार्ड्स मिले थे मुझे, और ये उनमें से कुछ रोजेज़ भी दिए हैं बच्चों ने, मुझे रोजेज़ दिए थे, कुछ और भी बहुत सारे कार्ड्स थे. तो जो उस टाइम पर फिर ब्रदर ठीक नहीं था, तो आई वेंट डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल, तो मैंने कुछ भी सामान ओपन नहीं करा था जो भी गिफ्ट से. तो ये उनमें से कुछ बचे खुचे जो मैं संभाल गई थी. बाकी साहिब नूर का तो आपको पता ही है, वो कुछ ले गया था, इधर उधर चले गए, सॉरी बेटा, कुछ जो इधर उधर चले गए, आई वॉजेंट एबल टू हैंडल देम अलॉट, तो वो इधर उधर जो उसके हाथ में आए तो वो ले गया. बट उनमें से ये मैंने जो कुछ अंदर रख लिए थे, तो अभी मैंने आपको दिखाए हैं कार्ड्स. आपका कार्ड कौन सा फेवरेट था, आपको कौन सा कार्ड अच्छा लगा, तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना जो कार्ड आपको अच्छा लगा हो. एंड नाउ इट्स टाइम टू ओपन द गिफ्ट, जो गिफ्ट भी मुझे मिले थे, ठीक है, जो बच्चों ने दिए हैं. और लेट भी मैंने गिफ्ट तो मिले थे, बट मुझे नाम नहीं याद है कि भी क्या क्या किन किनों ने मुझे दिए थे. तो अभी मैंने ऐसे क्योंकि पॉलीथिन में रख लिए थे सारे, तो अभी अब हम खोल के दिखाते हैं. एज़ यू नो कि टीचर को तो सिर्फ पेन ही मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रेड पेन है वो तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है. तो ये देखो कितने सारे मिले हैं मुझे गिफ्ट्स, अभी मैं दिखा रही हूँ. यू कैन सी कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, बहुत कुछ मिला था मुझे लेकिन. तो आई विल बी जस्ट शोइंग यू अब गिफ्ट्स. ये देखो पेंसी पेन्स हैं मेरे पास, ये देखो कितने सारे पेन हैं. रेड पेन ही दिया है क्योंकि बच्चों को पता है मोस्टली टीचर के पास रेड पेन चाहिए होते हैं. वी हैव टू डू द करेक्शन वर्क, सो मच ऑफ करेक्शन वर्क. तो हेयर इट इज़ अनदर गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट. तो सी उस स्टूडेंट ने मेरे लिए चौक के चौक होल्डर में चौक भी इंसर्ट करके दिया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड. तो ब्लू पेन भी है इसमें, ठीक है. तो अभी चॉकलेट्स भी हैं, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, मेलेडी और ये कोसी कीरिंग विद माई फर्स्ट इनिशियल ऑफ द नेम. तो ये ए के साथ कीरिंग दी है, थैंक यू सो मच बच्चे. सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम्स हूएवर हैज़ गिवन दीज गिफ्ट्स टू मी, बट थैंक यू फॉर योर लव. ये साथ में एक पता नहीं बीच में से निकला है, इसमें भी लिखा है हैप्पी टीचर्स डे. तो ये तो थे गिफ्ट्स और पेन्स दिए गए थे, और ये एक और बॉक्स है, इसमें भी निकला है, ये पेन है, रेड पेन है, और एक ये दिया है. मैंने ना ट्राई करा था कि बच्चों के नेम लिखूं, दैट दिस बॉक्स इज़ फ्रॉम अमन एंड अनमोल,
थैंक यू अमन एंड अनमोल, थैंक यू सो मच, दे हैव गिफ्टेड मी दिस. अभी इसमें क्या है, इट कैन बी अ लिपस्टिक, इट कैन बी अ नेल पेंट, बिकॉज वेट के अकॉर्डिंग तो आई कैन थिंक कि ये नेल पेंट ही होगा. ठीक है, तो अभी इसको ओपन करने के बाद ही पता लगेगा कि क्या है. लेट्स जस्ट सी कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें कुछ लेटर टाइप कुछ है तो पता नहीं क्या है. इस उम्र में देखो लेटर मिल रहे हैं मुझे अभी. ये कोई मेरी उम्र है चिट्ठियाँ खोलने की? पर नहीं, बच्चों का प्यार है मेरे लिए. थैंक यू, इस पर लिखा है थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, हैप्पी टीचर्स डे अतिंदर मैम, थैंक यू सो मच. बच्चे थैंक यू. देर इज़ वन इन अदर लेटर, इसमें लिखा है पुल, इसमें लिखा है हैप्पी टीचर्स डे पुल, पुल करने को बोला है. ठीक है, पुल यानी कि मैं नीचे को कर रही हूँ उसको. माय गॉड, अच्छा जैसे ही मैंने नीचे को पुल करा ना तो इस पर लिखा हुआ था टीचर्स डे, सेंटर में हार्ट हार्ट बने हुए हैं. तो अब आगे है हैप्पी टीचर्स डे. ओके, थैंक यू सो मच. मुझे तो इतनी क्रिएटिविटी, मतलब जब मैं आपकी उम्र में थी ना बेटा, तो आई वॉजन दैट मच क्रिएटिव. हमारे ज़माने में, बाबा आदम के ज़माने में इतनी क्रिएटिविटी होती नहीं थी. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव लर्न सो मच फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर आर्ट टीचर, कि आप इतना अच्छा कर पा रहे हो. ठीक है, तो ये एक मुझे मिले हैं स्टड्स मिले हैं मुझे. ठीक है, तो स्टड्स किसकी तरफ से हैं? ये हरेकम की तरफ से हैं. ठीक है, थैंक यू हरेकम, थैंक यू सो मच. दीज आर वेरी वेरी लवली, यू कैन सी टू. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मम्मा गए हुए थे गुरुद्वारा साहब तो अभी वो वापस आए हैं. सो ये स्टड्स हैं वाइट एंड ब्लैक, एज यू हैव सीन इन नंबर ऑफ माई वीडियोज विच आई मेड इन द स्कूल. लाइक दैट हमारा जो प्रोफेशनल ड्रेस है दैट इज़ इन द वाइट एंड ब्लैक कलर स्कीम. तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे ये दिए हैं वाइट एंड ब्लैक. फाइन, तो ये मुझे दिया है अभी साहिब नूर भी. साहिब नूर अभी आया है, तो साहिब नूर कह रहे हैं मुझे नहीं, मैनू नहीं लेके गए, तो साहिब नूर को नहीं पता है. फाइन, कहते मेरा नहीं गिफ्ट बनाया. तो ये है, लेट्स जस्ट ओपन दिस वन. क्या है, मेरा तो ये गैस है कि भी इसमें नेल पेंट या फिर लिपस्टिक होगी. तो आपको अगर पता लगा हो, थोड़ा सा आइडिया हो अगर, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि ये इसमें क्या है, क्या है. ओ माय गॉड, ये उड़ के आ गया. तो मुझे तो नेल पेंट लग रहा है, अभी ओपन करके पता. आई एम 100% श्योर दैट इट्स नेल पेंट. ये देखो मैं बुधवार से आया हूँ, इसीलिए जब ये चला गया था ना मैंने तभी वीडियो शूट करने का सोचा था, पर बातें करते करते वीडियो इतनी लंबी हो गई है क्या करें. तो अब फिर मैं, अब ये आ गया है तो अभी देखो कितना शोर डल रहा है. हेलो, इट्स माय गिफ्ट. वो खुल ही नहीं रहा, इतना इतना टाइट कर रहा है. मैं खोलता हूँ. अच्छा आप खोलोगे? रुक जाओ, खोलने दो मुझे. As I guessed, it is a nail paint. मेरी बाती. इसमें है नेल पेंट विद अ वेरी लवली कलर, वेरी लवली कलर. आई लव दिस शेड. मेरे पास ये शेड है भी नहीं है. थैंक यू सो मच बच्चे फॉर दिस. पर इतना खर्चा मत कराया करो पेरेंट्स का. ठीक है, अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, आई नो यू लव मी, इवन आई लव यू. तो इतना खर्चा मत कराया करो. अब ये मुझे दिया है तरन ने, तो इवन तरन हैज रिक्वेस्टेड मी नंबर ऑफ टाइम्स मैम वेदर. हाँ हाँ, ये मुझे नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज रिक्वेस्टेड एंड आस्क मी मैम कि आपने गिफ्ट खोलिया नहीं खोला, तो प्लीज़ खोल दो. सो तरन, दिस इज़ फॉर यू. आई नो यू वॉच माई वीडियोज़. तो लास्ट में मैंने आपका गिफ्ट इसलिए रखा है क्योंकि आपका जो वीडियो का सस्पेंस है वो बना रहे, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि मम्मा ने इसमें क्या पैक करके भेजा है मेरे लिए. सो इवन आई एम वंडरिंग कि क्या है. तो ओपन करते हैं इसको. तरन, क्या है इसमें? हाँ जी, तो तरन कोई गैसेस है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या मम्मा ने अगर आपको बता दिया है तो वो बता दो कमेंट करके. हमको गिफ्ट दिया
हम खोल लेंगे। तो आए कहने मुझे ये लगता है कि इसमें यहाँ तो कोई मतलब पता नहीं क्या है, मतलब मुझे पता है इतनी पैकिंग करी है, मुझे पता है क्या इसमें इसमें होगी मेरी कार इसमें होगी इसकी कार, कोई बात नहीं। अब ये क्या किंडर, ये देखो एक किंडर, अब ये मम्मा को मिला है। हाँ अभी क्या होगा इसमें करण, कोई गेस करके बताए, बाकी भी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी गेस करके बता सकते हैं क्या है इसमें, पता नहीं इसमें क्या है क्या है। तरन क्या दिया है आपने मुझे, मम्मा ने क्या दे दिया मुझे, कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हो तरन आप? हाँ ये मुझे पक्का प्रैंक की बदबू आ रही है इसमें से कि जरूर मेरे साथ कोई प्रैंक होगा। तरन अगर ये प्रैंक हुआ ना मेरा। पहले बात तो ये बॉक्स देख कर ना मतलब मुझे बड़ा डर लग रहा है तरन, अगर इसमें अगर मोबाइल फोन हुआ ना तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस, इट्स वेरी वेरी हैवी गिफ्ट, बट अगर ये कोई प्रैंक है ना तरन तो कल तो तुम्हारी शामत आने वाली है, मैं सच्ची बता रही हूँ। बॉक्स तो गाइस देखो वीवो है, ठीक है एक मिनट रह जाए, एक मिनट मेरे बात कर लूँ, मैं बात कर गाइस देखो वीवो का बॉक्स है ठीक है, इसमें बाहर तो ऐसा लग रहा है कि इसमें फ़ोन होगा ठीक है, तो इवन ना मैं भी यहाँ तक आ गई हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा वाली, तो मतलब सस्पेंस बहुत तगड़ा वाला हो गया है, तो क्या है इसमें क्या नहीं है तो आई डोंट नो सीरियस वाला डोंट नो। अभी इसको खोल के देखते हैं, अगर तो इसमें कोई प्रैंक है ना मेरे लिए तरन तो सीरियसली, तो अगर पर सच में इसमें ये बाहर जो दिख रहा है अगर वो ही अंदर है ना तो सीरियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस, इट्स वेरी 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 लाइक कॉस्टली गिफ्ट। लेट्स ओपन अप द सरप्राइज गाइस। मेरे ना पास तनवीर बैठा है, प्रणोर और रवजीत भी बैठे हैं, उनका ना मतलब ना दिल ना अटका पड़ा कि इसमें सच में फोन निकलेगा, तो मुझे जैसे मुझे पता था तरन कि इसमें प्रैंक ही होगा कोई ना कोई, सीरियसली आई कैन स्मेल दिस। ओके तो इसमें है गॉगल्स, थैंक यू सो मच तरन, थैंक यू। आई कैन मैं मेरी थैंक यू, बहुत अच्छी गॉगल्स है, बहुत बहुत अच्छी, इवन आई वाज प्लानिंग टू बाय न्यू शेड्स, तो अच्छे शेड्स हैं। तो भी देखो सबकी ना सांसें यहाँ तक आई हुई थी, गले तक अटकी हुई थी धड़कन की, फ़ोन का डब्बा है तो इनको पक्का फ़ोन ही मिला होगा, तो फ़ोन नहीं है इसमें है शेड्स अच्छे वाले हैं, डिफरेंट वन है, मैंने ये वाला कलर कभी ट्राई नहीं करा है, तो थैंक यू सो मच। हमारे साथ धोखा थैंक यू, क्योंकि अगर फ़ोन होता भी ना सीरियसली वाला तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस, भी मतलब अच्छा नहीं लगता, तो इट इज़ अगेंस्ट माय एथिक्स, इतना खर्चा नहीं, तो अच्छा है कि ये मतलब कुछ और ही निकला इसमें से, अदरवाइज बड़ा ही प्यारा गिफ्ट है जो कि मेरी नीड के अकॉर्डिंग है, सोच समझ के दिया है, थैंक यू सो मच तरन एंड तरन के मदर के लिए, मैम प्लीज़ आपने इतना खर्चा करा। तो ये तो थी मेरी टीचर्स डे के गिफ्ट्स की ओपनिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा डराने वाला ये वाला गिफ्ट था, तो चलो बाकी गाइज़
मुझे स्कूल में हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट करा था तो उसमें भी गिफ्ट मिला था, तो ये टैग मिला था उसमें मुझे ए मेरे नेम से शुरू होने वाला ए अतिंदर, तो इसमें जो मुझे उन्होंने टाइटल दिया है उसमें लिखा है ओपन माइंडेड, दैट इज़ करेक्टली सूटिंग टू माई पर्सनैलिटी कि भी मैं ओपन माइंडेड ही हूँ, खुली सोच रखती हूँ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ, जो दिल थैंक यू जो दिल में है वो मुँह में है, तो ये बिल्कुल मेरे पर्सनैलिटी के साथ सूट करता है, थैंक यू सो मच। तो और हमें स्कूल में से सभी टीचर्स को स्कूल की तरफ से जिस हाउस की असेंबली तो उन्होंने एक और गिफ्ट दिया था, वो जल्दी मैंने ओपन कर लिया था, वो कि साहिब नूर ने ले लिया था, तो साहिब नूर ने ओपन कर लिया था तो उसमें एक पर्स निकला था, तो वो गाइज वो भी पड़ा है अंदर। तो ये सारे मेरे गिफ्ट्स थे जो मैंने टीचर्स डे पे मुझे मिले थे, कुछ और पेन भी थे, कार्ड भी थे जो मैं यूज़ भी कर रही हूँ, बच्चों की अभी करेक्शन वर्क कर रही हूँ तो मैं बच्चों के दिए हुए गिफ्ट्स ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये तो थी गाइस आज की वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो भी, वैसे मेरा माइंड एक्चुअल में मतलब इतना सेटल्ड बैलेंस्ड नहीं हुआ है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोपिंग अप विद द ट्रॉमा थ्रू विच आई हैव बीन थ्रू, तो कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो टाइमली या रेगुलरली बना के आपको आपके साथ रूबरू होती रहूँ, बट हाँ आई नीड टाइम टू बी बैलेंस्ड, तो मन तो नहीं था पर बनानी थी वीडियो, आपके लिए बनानी थी, आपने इतना प्यार दिया है, तो ये थी गाइस आज की वीडियो, तो इसके साथ ही वीडियो एंड करते हैं। तो आपको गिफ्ट कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो, कौन सा वाला कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, इट मीन्स अ लॉट, इट बिकम्स मोटिवेशन फॉर मी, जो आप कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द पर्सनलाइज नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। तो ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और सो दैट मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आती रहूं, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी स्ट्रांग, तो आई नीड योर सपोर्ट, तो थैंक यू सो मच एवरीवन हू आर विद मी, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। ये थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।